बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। आज जब मैं वाक्य बयान करता हूँ, हजरत ख्वाजा जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह जी, ये मिस्र के बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत वक्त के बड़े वली गुजरे हैं। अच्छा। विलायत मारफत का अजीब मुकाम अल्लाह ने उनको अता कर रखा था, बड़े साहिब कशफ व करामत बुजुर्ग थे। इनका ये वाक्य तज़किरतुल औलिया में हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है। तो हजरत जुनून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने 30 साल की मेरी दावत हिदायत जो है, जो हिदायत की मैंने दावत दी है, तो फरमाया कि उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक शहज़ादा उसने सही हिदायत की हकीकत को पाया। अच्छा। हाँ, वो हुआ ये कि कहते मैं मस्जिद में बयान कर रहा था और बयान के दौरान मैंने ये बात कही कि कमज़ोर का अपने से ताकतवर के साथ जंग करना अहमकाना हरकत है। ओके। ये बात मैंने कही। वो शहज़ादा मस्जिद के सामने से गुजर रहा था तो आवाज़ उसके कान में पड़ी, तो वो रुक गया और वो मेरे पास आया, कहा कि ये जो आपने जुमला कहा है कि कमज़ोर का अपने ताकतवर के साथ जंग करना ये अहमकाना हरकत है, तो मैं इसका मफहूम नहीं समझा, क्या मतलब? हज़रत फरमाते मैंने उससे कहा कि इसका मतलब ये है कि बंदे का जो कि कमज़ोर और नाकिस है अपने खुदा के साथ जंग करना ये हमाकत नहीं तो क्या है? लिहाजा बंदे को खुदा से जंग नहीं करनी चाहिए, मतलब खुदा जो कहे उसकी इताअत करनी चाहिए। जंग का मतलब उसकी इताअत से हटेगा तो नाफरमानी ना करे बल्कि उससे उसकी इताअत में रहे। ये मतलब है कि बंदे का खुदा से जंग करना यह हमाकत है। तो उन्होंने कहा अच्छा, कहते बात तो समझ में आ गई। दूसरे दिन आके पूछता है, कहा कि विसाल खुदावंदी का क्या तरीका है, अल्लाह को पा लें, खुदा को पाने का क्या क्या रास्ता है? तो हज़रत फरमाते मैंने उसे कहा कि दो रास्ते हैं, एक मुख्तसर और एक तवील। अच्छा। तो तुमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है? कहा कि मुझे तवील वाले इख्तियार करना है, लेकिन मुझे पहले डिटेल बताएं कि दोनों रास्ते क्या हैं। तो मैंने कहा कि मुख्तसर रास्ता यह है कि गुनाहों को छोड़ दे, गुनाहों को छोड़ दो खुदा मिल जाएगा, ये ऐसा मुख्तसर रास्ता है। तर्क मासियत, क्योंकि तर्क मासियत ही के अंदर इस कमज़ोर का गिवअप होना नज़र आता है कि खुदा के हुक्म के सामने गिवअप हो गया, उसकी नाफरमानी नहीं कर रहा, उसके मंशा पर चल रहा है। तो आसान रास्ता तो ये गुनाहों को तर्क कर दे, आप खुदा मिल जाएगा आपको। दूसरा तवील रास्ता यह है कि आप खुदा की खातिर सब कुछ छोड़ दें, किनारा कश हो जाए, एक खुदा और तन्हाई हो और बस अल्लाह अल्लाह हो, सारी दुनिया को छोड़ के एक तरफ हो जाए, यह है। तो यह दूसरा तवील रास्ता है। फरमाया कि यह तवील रास्ता मुझे इख्तियार करना है, लिहाजा तवील रास्ता उसे इख्तियार किया और फरमाया कि अपने वक्त में इतनी इबादत और रियाजत की, ऐसा तन्हाई में खुदा को याद किया कि वक्त के अबदालों में शामिल हो गया। अच्छा। फरमा कि ये मैंने 30 साल की मेरी जो ज़िंदगी की दावत थी, मैंने इस शहजादे को पाया कि इसी हिदायत की हकीकत तक ये पहुंचा है कि वाकई समझ गया कि हिदायत रूहानी होती क्या है, उसे सब तरक करके खुदा को पा लिया। तो इससे पता चलता है कि तर्क मासियत जो गुनाहों को छोड़ देना, ये विलायत की पहली सीढ़ी है। चुनाचे हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि अगर तुम वली बनना चाहते हो तो तहज्जुद की जरूरत नहीं है, तुम्हें नवाफिल और अवाबीन इशराक की जरूरत नहीं, तुम गुनाहों को छोड़ दो, आज से विलायत का सफर शुरू हो जाएगा। पहली सीढ़ी पे, पहली सीढ़ी, क्योंकि कहता है हम होता ही है कि नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रखे, ज़कातें भी दे रहे, सब गुर, लेकिन गुनाह भी साथ कर रहे होते हैं। तो फरमाया एक बार आज से हिसाब लगा लो कि बस ये गुनाह मैंने छोड़ना शुरू कर देने, आज से मैंने गीबत नहीं करनी मसलन, आज से मैंने झूठ नहीं बोलना। फरमाया आहिस्ता आहिस्ता गुनाह तुम छोड़ते चले जाओगे, अल्लाह विलायत की सीढ़ियों पे चढ़ाता चला जाएगा, आपको तहज्जुद और जनाब वो अव्वाबीन और इशराक पढ़ने की जरूरत भी नहीं, आप 5 वक्त की नमाज से ही विलायत मारफत का वो मुकाम पा जाएंगे कि अब्दालों में अल्लाह लिख देंगे। और आज लोगों में ये होता है कि लोग गुनाह छोड़ते नहीं हैं लेकिन वो नेकियाँ बढ़ाते रहते हैं, अव्वाबीन भी हो रहा है, ताज्जुद भी हो रहा है, लेकिन जो गुनाह है वो नहीं छोड़ रहे, गीबत भी चल रही है, चुगली भी चल रही है, दूसरे का ठट्ठा भी चल रहा है, तिजारत के अंदर डंडी भी मार रहे हैं, बल्कि डंडे मार रहे हैं, तो नतीजा क्या होता है? तो वो उनकी इबादत को नफा ही नहीं दे रही। तो लिहाजा इसलिए आज सबसे आसान तरीका यह है कि फिर वो कहते हैं ना, मईशत की कामयाबी है कि आमदनी बढ़ाना तो इख्तियार में नहीं है लेकिन अखराजात कम करना तो इख्तियार में है ना। बिल्कुल सही। तो आप इबादत करना तो इख्तियार में नहीं है, हिम्मत नहीं आती, ताज्जुद में कौन उठे, लेकिन गुनाहों को कम करना तो इख्तियार में है। आप अपने गुनाह थोड़े थोड़े कम करते चले जाएं तो घर बैठे वली बन जाएंगे। ये आसान सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त इसमें सबक है। बिल्कुल, और बात बिल्कुल सीधी है कि गुनाह
کم کر دیں کم کر دیں بس. اور آپ نے پہلے ہم نے ذکر کر لیا کہ جو ڈیلیبریٹلی نہیں کرتے ہیں نہ دانستگی میں کرتے ہیں اس کی معافی کا بھی طریقہ آ گیا. بہت خوب.